अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दोबारा वापस आ गई हूँ एक बहुत मज़ेदार चटपटे खट्टे अचार की रेसिपी के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जियों के अचार बनाने के लिए जिन सब्जियों की हमें ज़रूरत है वो है सेमे, गाजर, मटर और गोभी। सब्जियों को सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं एक पैन लूँगी और एक एक करके इन सारी सब्जियों को उस पैन के अंदर ऐड करूँगी। सब्जियों को पैन में डालते हुए आपको इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अब आप पॉट को कवर कर दें। पॉट का कवर जब आप थोड़ी देर बाद हटाएंगे तो आप देख सकते हैं सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। एट दिस पॉइंट आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून या हसबे जायका सॉल्ट ऐड करें। सॉल्ट ऐड करने के बाद बारी आती है इसके अंदर 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करने की, और उसके बाद 3 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करें और पॉट को दोबारा कवर कर दें। पॉट खोलने के बाद आप देख सकती हैं सॉल्ट ने अपना भी पानी छोड़ दिया है। इसे थोड़ी देर और पकने दें। थोड़ी देर बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर से पानी अच्छे से इवेपोरेट हो चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर कुकिंग ऑयल या कोई भी ऑयल ऐड करने की और अचार का मसाला ऐड करने की। अचार का मसाला ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करिए। तो लीजिए, अचार हमारा हो गया है तैयार। इसे आप पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और रोटी के साथ और दाल के साथ, जिसके साथ आपको सब्जियों की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।